हेयर 200 मेडिसिन है जिसमें लिखा हुआ है +3। इस +3 का मतलब है कि इसमें 3 दवाइयाँ मिली हुई हैं। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। चलो मुझे याद आ गया, तो मैं पहले ले लेता हूँ इसको। दोस्तों आई थिंक मैं आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ आपको रिसर्च करने में, मेडिसिन सिलेक्ट करने में। अगर मेरी प्रॉब्लम, मेरे सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से, आपकी प्रॉब्लम से मैच करते हैं तो आप भी इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप से ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। लेकिन एज ए ट्रायल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इतने ज़्यादा तो बाल नहीं झड़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लगता कि थोड़े बहुत बाल अगर निकल रहे हैं, तो आप इन ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हैं और इसके बाद आप रिज़ल्ट पा सकते हैं। और होम्योपैथी में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बता दूं कि रिज़ल्ट होम्योपैथी के 2 से 3 दिन में नहीं मिलते। होम्योपैथी के रिज़ल्ट्स लेने के लिए कम से कम भी आपको 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 महीने इंतज़ार करने के बाद आप कह सकते हैं कि बाल वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या फिर जो भी है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं पहले क्लियर करना चाहता था। तो आज की वीडियो होने वाली है हेयर 200 पे। हेयर 200 मेडिसिन है जिसमें लिखा हुआ है +3। इस +3 का मतलब है कि इसमें 3 दवाइयाँ मिली हुई हैं। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। चलो मुझे याद आ गया, तो मैं पहले ले लेता हूँ इसको। इन 3 दवाइयों में कौन सी दवाई डली हुई है, आज उनमें से एक दवाई हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन सी दवाई है, दूसरी दवाई कौन सी है और तीसरी दवाई कौन सी है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, इसके बाद आप जान पाएंगे। 3 वीडियो का एक सीरीज़ है, उसी में आप जान पाएंगे। दोस्तों इसमें जो पहली दवाई डली हुई है वो है विस्बैडन 200। ये जैसा कि आप देख रहे हैं हेयर 200 +3 लिखा हुआ है। तो हेयर का मतलब है बालों के लिए और 200 का मतलब है पोटेंसी, दवाई की पोटेंसी। तो इसमें 200 पोटेंसी की 3 दवाइयां डली हुई हैं। पहली जो दवाई है वो है विस्बैडन 200। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्बैडन 200 के बारे में। तो विस्बैडन की अगर बात करें तो विस्बैडन 200 लेने से जो आपके शरीर में मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह वगैरह, इन सबको विस्बैडन रिस्टोर कर देती है। जो शरीर में हमारे सॉल्ट बनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूट्रिएंट तो ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें, हमारी डाइट भी हम अच्छे से अपनी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ भी होता है और मेन प्रॉब्लम बालों के झड़ने में आती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। तो इसके लिए विस्बैडन 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, विस्बैडन किसको लेनी चाहिए, जिनको पसीने में बदबू आती है, जिनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अंडर आर्म्स में बदबू आती है या फिर शरीर में कहीं से भी पसीना निकलता है वहाँ से उनको बदबू आती है और उनको ईचिंग भी होती है स्किन पे, उनके लिए भी विस्बैडन 200 बहुत अच्छी गुणकारी मेडिसिन है। और एक ख़ास बात ये दोस्तों कि फीमेल्स के लिए विस्बैडन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेल्स की कंपैरिजन में। फीमेल्स में जहाँ ये 100% रिज़ल्ट देती है वहाँ मेल्स में 70-80% तक ये रिज़ल्ट दे पाती है। और हमारे बालों की डेंसिटी यानी बालों का घनत्व, बाल हमारे घने हो जाते हैं, बालों को घना करने में मदद करती है विस्बैडन 200। बालों को तेज़ी से ग्रो करने में भी विस्बैडन 200 बहुत मदद करती है। नए बाल उगाने में विस्बैडन 200 नहीं ली जाती, ये नए बाल उगाने में इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है,
इसके रिजल्ट्स आए हैं और डॉक्टर ने साफ साफ बताया है उस बारे में भी। और बाल्डनेस में विस्बैडन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ये आपके उड़े हुए बालों को या फिर जो बाल स्कैल्प से गायब हो गए हैं उनको ठीक करने में, रिस्टोर करने में विस्बैडन 200 इतनी ज़्यादा लाभकारी नहीं है। विस्बैडन का काम है हमारे शरीर से प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स को, जितने भी साल्ट्स हैं इन सभी को एक्टिवेट कर देती है और हमारे शरीर में इन सब चीज़ों की वजह से कोई भी कमज़ोरी है वो कमज़ोरी धीरे धीरे गायब होने लगती है। इस कारण से वो हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। ये हमारे बचे हुए बालों को झड़ने से रोकती है और वीकनेस को भी दूर करती है। तो अब बात करते हैं कि विस्बैडन लेनी कैसे है। मेरे पास हेयर 200 फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मैं दिन में 4 बूंद 3 बार यूज़ करता हूँ। 4 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। डायरेक्ट जैसे कि मैंने अभी लिया था 4 बूंद, वैसे ही आपको दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लेना है। तो विस्बैडन के सभी फ़ायदे देखने के लिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं डॉक्टर जो कहता है वो सही है दोस्तों या नहीं। आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम गूगल में टाइप करेंगे विस्बैडन 200 यूजेस। विस्बैडन 200 के यूजेस देखने के लिए एक साइट है जैसे shophealthy.in, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से हमें सारे फ़ायदे और नुकसान सारी चीज़ें खोल खोल के दिखा दी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़फुल इन हेयर ग्रोथ और ड्यूरिंग द मेंसेस देयर इज़ ग्रेट वीकनेस। वीकनेस में भी काम आती है और मैं जैसा बताया था स्वेटिंग में भी ये काम आती है, इसके साथ इचिंग में भी ये काम आती है। विस्बैडन यूज़फुल इन हेयर ग्रोथ यानी बालों को बढ़ाने में, या फिर आपको कोई एनजाइटी है उसमें भी विस्बैडन 200 काम करती है। वर्टिगो व्हेन लाइंग इन बेड और बालों को ग्रोथ करने में, बालों को जल्दी बढ़ाने में विस्बैडन 200 का मेन फोकस होता है। ये अगर शरीर में किसी तरीके का दर्द है, हल्का फुल्का दर्द, उसमें भी विस्बैडन काम करती है। डाइजेशन में भी विस्बैडन काम करती है। आप देख सकते हैं प्रेशर इन स्टोमक यानी एक्स्ट्रा एयर जो बनती है पेट में, उसको भी विस्बैडन 200 ठीक करती है। स्किन में अगर बर्निंग होती है या फिर हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, वार्ट्स हो जाते हैं, तो उनमें भी विस्बैडन 200 काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस बात करें अगर साइड इफ़ेक्ट्स की, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं अभी तक देखने को मिला है। तो दोस्तों, विस्बैडन 200 मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पिछले 3 महीने से मैं विस्बैडन 200 को ले रहा हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो अभी भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और डॉक्टर ने 3 महीने और लेने के लिए मुझे बोला है। तो दोस्तों, ये था हेयर 200 फॉर्मूला। इसमें बाकी 2 मेडिसिन कौन सी हैं वो देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू सो मच। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिट ट्यूब ओनली ऑन YouTube.